बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जनता के बीच मुद्दों की तलाश कर रही है। अयोध्या मंडल में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के लिए लोगों से राय ले रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही है और जिले जिले जाकर लोगों की राय ली जा रही है मैनिफेस्टो बनाने से पहले। और कांग्रेस की टीम कल अयोध्या में रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, अजय कुमार लल्लू जी। सर, मैनिफेस्टो तैयार करने जा रहे हैं और आप अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या को ही क्यों चुना है आपने? नहीं देखिए, सभी मंडलों में कांग्रेस पार्टी जा रही है। पिछले दिनों कानपुर में, मेरठ में, मुरादाबाद में और अब फैजाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, सभी मंडलों में कांग्रेस पार्टी। फैजाबाद खत्म हो गया सर? नहीं, आज जा रहे हैं। फैजाबाद खत्म हो गया, अयोध्या आए सर। मैं वही बता रहा हूँ, मंडल फैजाबाद था, अयोध्या नाम अभी नामांतरित। कोई संतों से मुलाकात करेंगे सर, उनके भी राय लेंगे मैनिफेस्टो के लिए? देखिए, ये जनता की राय लेने जा रहे हैं, जनता की समस्या को सुनने जा रहे हैं। क्या हमें सूचीबद्ध करना है? किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत खलियान, रिक्शा चालक, वकील संघ, वकील, हमारे विद्वान साथी, तमाम जो लोग हैं उन सबको हम उसमें उनकी राय लेने जा रहे हैं। तमाम सामाजिक संगठनों को हमने बुलाया है, उनसे चर्चा करेंगे ताकि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसे घोषणा पत्र में लागू कर सकें। बिल्कुल, तो कांग्रेस तैयार है विधानसभा चुनाव के लिए और इसीलिए जिले जिले और जैसा कि बता रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की, मंडल स्तर पर कांग्रेस की टीम जा रही है और मैनिफेस्टो के लिए लोगों की राय हासिल कर रही है। वीडियो जलिन स्मित के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। यूपी में शहरों के नाम बदलने के मामले पर राजनीति तेज हो गई है। इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सुल्तानपुर की राजस्व परिषद ने वहां का नाम बदलकर कुशभवनपुर रखने का प्रस्ताव पास किया है और अब यदि अखिलेश यादव को ये बात बुरी लग रही है तो निश्चित रूप से उनका प्रयास है कि जो तुष्टीकरण का उनका खेल है वो चलता रहे। आखिर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखने पर आपत्ति क्यों है अखिलेश यादव को, या फैजाबाद को अयोध्या करने में क्या आपत्ति है? 2022 में भी उससे बुरी गति होने वाली है अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष के दलों का। जालौर में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने देश की सबसे छोटी ट्रेन में सफर किया। राज्य मंत्री पहले झांसी से इंटरसिटी एक्सप्रेस में सार होकर रेड जंक्शन पहुंचे, उसके बाद देश की सबसे छोटी ट्रेन में सवार होकर अपने गृह जिले कोच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी, उनके निपटारे के निर्देश दिए। कोच में उतरकर भानु प्रताप सीधे सर्किट हाउस से लेकर, जहां उन्होंने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई।